Wanna be the person that you call up when you're down. Wanna be the first who knows all of Hello your friends, secrets. Welcome back to my channel. Good morning, welcome. Hello friends, good morning, welcome back to my channel. मैं हो चुकी हूँ ready, आज जल्दी नहा लिया मैंने क्योंकि सर्दी हो गई है खत्म और मेरे को यार इतना ऊपर थोड़ी रहता है. यूं बैलेंस अच्छा बने करो. हैक मिनट. एक मिनट होता है वो, हैक मिनट नहीं होता है. लग रहा है हाथ में इधर से. हाँ बात चलो ठीक है. तो मेरा जो गला खराब हो गया था, अरे यार ब्लॉग करने लगे कि नहीं लगे, मैं मेरे हिसाब से पकड़ रही. जो मेरा गला खराब हो गया था तो मैंने लेमन टी पी के सही कर दिया. जो मेरे पास ऑर्गेनिक इंडिया की पड़ी हुई है तो लेमन और जिंजर वाली जो ग्रीन टी होती पी ली. हो रही है बंदर पीछे से कूद के इधर आ गए बाल बनाने के लिए पतक करके. और सर्दी भी सही हो गई यार उससे, मेरी फटाक से सही हो गई. मेरे को जल्दी पी लेना चाहिए था वो. और अभी चीकू के पैर मैंने जो दो दिन पहले जो छिलाई की है वो सही करने के लिए अब आज मैं इनको फुट क्रीम लगा कर सॉक्स पहना दूंगी, क्योंकि ये बहुत ही आलसी है इंसान. इसका मैं केयर ना करूँ तो ये खुद का केयर ही ना करे. फेशियल भी करना बाकी है, मेरा ही बाकी है, इनका तो बाकी रह गया ही. मैं 3 दिन से प्लानिंग कर रही हूँ फेशियल. तीन दिन से प्लानिंग कर रही हूँ फेशियल करूँ पर फेशियल हो ही नहीं रहा है, तो इसीलिए देखेंगे. चलो कहती नहीं हूँ करेंगे यूँ, है ना. तुम क्या दिख रहे हो जोरदार. ये टी शर्ट मेरा फेवरेट है. तो हुई जोरदार. ओह हो ये ठीक है. इधर से कूद के उधर गए, ये छुपके छुपके निकल रहे साइड में से. तो अभी ब्रेकफास्ट ले आते हैं और फिर इनके पैरों में अच्छे से ब्रेकफास्ट जब तक बन रहा है तब तक इनके पैरों में अच्छे से अपन फुट क्रीम लगा के मिशेल की फिर सॉक्स पहना देते हैं, क्योंकि फुट क्रीम है मिशेल कितनी जोरदार. मेरे पैरों की तो सारी दरारें बढ़ चुकी हैं. अगर आप में से किसी के सीमेंट का काम करती है और अगर आपके पैरों का इंजन खराब हो रहा है, यानी पैरों की इंजन नहीं कह सकते, आउट बॉडी खराब हो रही है, प्लास्टर खराब हो रहा है. हाँ आपके पैरों की पुट्टी ख़राब हो रही है तो उस पुट्टी को कंप्लीट वो भर देगा. और बहुत अच्छा काम है यार, 3 दिनों में तो मेरे पैर कंप्लीट क्लीन हो गए चकाचक एकदम. और चिकू के आज पैर दिखाऊंगी, फिर आपको 2-3 दिन बाद पैर दिखाऊंगी. अभी चिकू के मैं फुट क्रीम लगाने वाली हूँ और ये है यार तुम हंसी हो मौत क्या करो, ये फोकस जल्दी नहीं होता इसलिए. हाँ ये है मिशेल की फुट क्रीम और अभी मैं चिकू के लिए सॉक्स वगैरह निकाल रही हूँ. तुम कैमरा पकड़ के बैठो. पतले वाले ही पहनो ना, मोटे वाले नहीं पहनो. मोटे वाले जल्दी रिलीफ करेंगे ऐसा लग रहा है, पर मोटे वाले ज्यादा अगर ठंडा जाने दो नहीं चिड़चिड़ करोगे, आधे में ही आके निकाल के चले जाओगे. आपके पैरों की कंडीशन पास में से दिखा देती हूँ. ये है चिकू के पैरों की कंडीशन, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी वो, तो मैंने एक दिन अच्छे से छिलाई करी है और अभी इस पैरों पर लगेगी फुट क्रीम. तो आप प्रोसेस भी देख लो. ये जो ऊपर के फुट क्रीम ऊपर के जो पैर है, जैसे कि यहाँ पर, ये यहाँ पर जो आपके पैर में ड्राइनेस हो गया या फिर रिंकल्स आ रहे हैं या फिर बहुत अजीब सी स्किन नहीं हो जाती है टाइम, यानी उम्र से पहले बुढ़ापे जैसे पैर दिखते हो जाते हैं, तो उसको भी ये बहुत जल्दी हील करने वाला है, क्योंकि ये रिंकल्स को भी हटाता है. और इसके ऊपर स्पेशली लिखा हुआ है यंगर लुकिंग फिट, यानी आपके पैर बहुत जवान दिखेंगे और पैर हेल्दी होना भी ज़रूरी है. तो मैंने इतनी सी फुट क्रीम ली है क्योंकि चिकू के पैर है लंबे इसलिए, और अभी कुछ पैरों की कंडीशन भी ज़्यादा ख़राब है तो मैं अच्छे से मसाज कर रही हूँ जहाँ पर भी इनके पैर ज़्यादा फटे हुए हैं वहाँ पर. ओपन पोर्ट से नहीं, ओपन पोर्ट से नहीं होते हैं ये. और आपको एक बिल्कुल भी जरा भी स्टिकी स्टिकी लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नॉन स्टिकी है बिल्कुल. यानी कहते हैं ना जो इरिटेट करने वाले लोशन है उससे तो एकदम डिफरेंट है, क्योंकि बाकी जो फुट क्रीम होती है वो बहुत ज़्यादा थिक और इतनी गाढ़ी गाढ़ी लगती है ना, कुछ पैक पैक से घुटन होती है उससे, और इससे एकदम नॉन स्टिकी, कुछ लगाया ऐसा भी नहीं लगता है और पसीना भी नहीं होता है.
से कर देती हूँ तो चिकू को यूँ लगता है मैंने ही पहना है सॉक्स। इस पैर की भी हालत ऐसी ही है कुछ, ये वाला अच्छे से दिखेगा, पास में से दिखाओ, छिलन जोरदार दिखेगी। कितने दिन में सही हो जाएगा? 3 दिन में ये आपके कंप्लीट हो जाएगा, पर 3 दिन तक रेगुलर याद रख के आप नहीं पहनो तो मेरे को बोल देना, मैं पहना लूंगी। रेडी रेडी कंप्लीट स्टडी गो। ओके तो रुको ना, आपके पैर भी दिखाने दो मेरे को। तो चिकू के पैर हो गए कंप्लीट। ये अब स्कूल जा रहे हो तुम? स्कूल स्कूल चले हम, अभी जाना है शॉप पर, स्कूल नहीं जाना है, और मम्मी भी नहीं है घर पे, मैं अकेली हूँ, और शॉप पर भी हैप्पी भैया नहीं है, मैं अकेली हूँ, वहाँ पर भी जो दी है सिर्फ, तो देखते हैं कैसे क्या एडजस्टमेंट होता है। अभी मैं पी लेती हूँ मेरी कॉफ़ी, क्योंकि चिकू को तो इनका गुआवा जूस पिला दिया। मैं एक बार दुकान जाऊँ? अभी जा रही हूँ मैं शॉप पर, और खाना वगैरह आज ड्यू ही रखा है, खाना हम बाहर खा लेंगे ऐसा सोचा है, क्योंकि घर पर खाना बनाने में लग गई तो काफ़ी लेट हो जाऊँगी। तो अभी तो चिकू का पार्सल सारा पकड़ा दिया है और मैं घर लॉक कर देती हूँ। खाना खाकर हम आ गए हैं अब शॉप पर, काम पे लग जाते हैं अपने, और थोड़ा देख लेते हैं भाई काम धाम देखो। अभी मैं लगा रही हूँ शिवान दीदी के नेल्स, और आपको बताऊँगी मैं कैसे हम नेल्स लगा रहे हैं। शिवान दी कृपया करके आपके हाथों के दर्शन करवा दें, शिवान दीदी के दर्शन भी आप कर सकते हो। नहीं कर सकते आज। ये है इनके नेल्स, और इन्होंने चूज किए ये वाले नेल्स, तो अभी लग रहे हैं। Gonna try to keep the pace, but someday we will find that the world has changed, but we stay true to each other. I will always be there for you whenever you need my help. ये नेल्स निकाल के रख दिए हैं, और ये डायरेक्ट अब अप्लाई होने वाले हैं नाखूनों के ऊपर, तो देखो इसका मैजिक। ये नेल्स लग चुके हैं शिवानी दीदी के, प्रॉपर रख के बताओ ना यार, और मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। हमारा ये काम तो हो गया, आप बना देते हैं रील्स। कैसे लग रहे हैं ये बताओ नाखून? बहुत अच्छे। ये हैप्पी भी हंसती है। और बहुत अच्छे लग रहे हैं यार। यार मत करो। रील्स तो लग गए हैं, अब जाते हैं बाहर वाली शॉप पर, और बाहर के भी काम करते हैं, आगे पीछे बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। और समझा करो यार, मेरे व्रत क्या बना दोगे? अभी बज गई है 7:30, और आपने देखा ही होगा आजकल तो क्या बिजी स्केड्यूल चल रहा है, क्योंकि आजकल है मेकअप्स, तो अभी भी था एक अपना मेकअप, तो अभी आगे आई हूँ मैं, थोड़ी देर बैठी हुई, हमने सोचा अभी मंगल करते, इतने में कस्टमर आ गए कि नहीं यार मेरा ये काम कर दो, तो फिर वापस बिजी हो गए, और चिकू शॉप से फ्री हो गए, यहाँ पर आए, ये भी बेचारे बहुत बिजी हो जाते हैं, पर क्या करें, साथ साथ में चलते रहते हैं और थोड़े थोड़े ब्लॉग्स में आते रहते हैं। बस क्या कहूँ यार, आज तो व्रत है मेरे, तबीयत भी थोड़ी सही नहीं है, यहाँ चिकू शट डाउन कर रहे हैं। पूरा दिन मेहनत मैं करूँ, तुम आके शाम को गिना गिनी करके रहो ना। हाँ ले लो कर देंगे, आज फ्री तो है अपन। अभी हम जा रहे हैं मेरे व्रत की शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मेरा है व्रत, घर पे कुछ है नहीं व्रत का खाने के लिए, तो अभी जाएंगे। घर आ गई हूँ, और अभी चिकू वापस से गए मेरे लिए कुछ लेने के लिए, क्योंकि हम जहाँ गए थे वहाँ भूल गए मेरे लिए कुछ लाना, चिकू भी वापस गए हैं, तो मैं एक बार हाथ मुँह धो लूँ, थोड़ा फ्रेश फील करूँगी। चिकू मेरे लिए लेके आ गए है खाने पीने का कुछ सामान, देखते क्या क्या है। ओहो क्या क्या लिया है? पीनट्स, अमूल कूल, लव यू, मैंने भी कितना सारा दे दिया तुमको, लव यू, ये सारी चीजें लाए, अब खाएंगे बैठ बैठे। चिकू ने इतना टेस्टी बनाया है अभी इनके लिए खाना, सुगंधी इतनी अच्छी आ रही है, खाने में कितना टेस्टी होगा बता नहीं सकती हो, बाकी नहीं तो मज़ा आ जाता।
स्पेशल ऑप्स कंटिन्यू कर रहे हो। व्लॉग एडिट हो चुका है और यहाँ तक देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। ओके बाय।